हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECST 10 में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। और अब ये मुकाबले कहां पर हो रहे हैं भैया? ये होने वाले हैं क्री फील्ड में हो रहे हैं, पर ये ग्रुप बी में मुकाबले होंगे। ग्रुप ए के सारे मुकाबले ख़त्म हो गए भाई, छः छः मुकाबले खेले जानते, छः के छः मुकाबले सारी टीम्स ने खेल लिए हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अब छः छः मुकाबले ये सारी टीम खेलेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल हमें देखने को मिलेगा। अभी जो मुकाबला होने वाला है बायर वुल्फ्स, जो इनका असली नाम है ना बायर वुल्फ्स है ही नहीं, ये बायर वुल्फ्स ने बना दिया है नाम, बट बायर वुल्फ्स के प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, दूसरे क्लब के प्लेयर खेल रहे हैं, सारे के सारे दूसरे क्लब के हैं। ब्लैक कैप आपके पास है, ब्लैक कैप का एक बहुत ही बड़ा क्लब है, मतलब इनकी एक टीम नहीं है, इनकी कोई 7, 8 या 10 टीम्स हैं जो यहाँ पर खेलती हैं। उसमें से इन्हें कॉमनली कुछ प्लेयर्स पिक करे हैं, उनकी हम यहाँ पर अभी बात कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। 21वां और 22वां मुकाबला होने वाला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा बायर क्रिकेट ग्राउंड, इसी पिच के ऊपर मुकाबला, मतलब जहाँ पर पहले खेला जा रहा था। 12:30 बजे और 2:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप बी के मुकाबले अब आपको देखने को मिलेंगे, पहले ग्रुप ए के देखने को मिल रहे थे। दोनों टीम्स अभी के लिए प्योरली बैलेंस्ड लग रही हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको बहुत बढ़िया कर कर दे जाएंगे, कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको थोड़े से ज़्यादा रिस्की रहने वाले हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, आपने देख लिया है बैट्समैन बॉलर्स दोनों के लिए मददगार है भैया पिच। ऐसा नहीं है कि बैट्समैन बढ़िया कर जाएंगे या बॉलर्स बढ़िया कर जाएंगे, ऐसा कुछ भी आपको देखने को पूरे, मतलब जितने भी मुकाबले अभी तक इस पिच के ऊपर हुए हैं, वैसा नहीं देखने को मिला है। आर शुक्ला, ए हसीफ, फिर उसके बाद एस नियाब, यू शराद, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओ सराद सरदार आपके पास है, उल्ला आपके पास है, उसके बाद अगर आप देखो ए रहमान आपके पास है, ए रहमान शेख आपके पास है, उसके बाद आर भूषण, ए रियाल, एन खुशदील आपके पास है, बी चंट, यही पूरी की पूरी आपके पास प्लेइंग 11 रहने वाली है। कुछ भी चेंज होंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे स्टैट्स हैं। फातिमा आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, ओपन और डेथ में आकर बॉलिंग करवा कर देगा। ओपन मतलब ओपन कर कर देगा बैटिंग में और डेथ में आकर करवा कर देगा बॉलिंग। इसने अपने जो पिछला मुकाबला था वहाँ पर ओपन करने आया था, उससे पिछले मुकाबले में नंबर 5 पर बैटिंग करने आया था। देखकर चलना अगर आपको इसको एज अ ओपनर रखना है, एज अ मिडल ऑर्डर रखना है। 6 मैचेज में रन 109, हाईएस्ट स्कोर 54, एवरेज 21 का, स्ट्राइकेट 131, 50 एक बार करा, चौके 11 जड़े हैं, 2020 के स्टैट्स हैं सारे के सारे के। छक्के 6 जड़े हैं, उसके बाद ओवर 14 और विकेट 5। फिर उसके बाद सुजात हुसैन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, मिडल ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग कर कर दे रहा है। 5 मैचेज में रन 137, हाईएस्ट स्कोर 65 का, एवरेज 34, स्ट्राइक रेट 144, चौके जड़े हैं वो 12, छक्के 8, ओवर 1, विकेट 0। उसके बाद रजनीश शुक्ला आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्यों लिख दिया नंबर 4, क्योंकि जो मैंने पिछले इसके 2 मुकाबले देखे थे उस दोनों मुकाबलों में नंबर 4 पर ही आया था। 6 मैचेज में रन 30, हाईएस्ट स्कोर 18, एवरेज अगर आप देखोगे 7 की, ओवर 4, विकेट 0। शामिल न्यास आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, मिडल ऑर्डर में आकर बॉलिंग करवा कर दे रहा है, बैटिंग मिडल ऑर्डर में आकर आपको कर कर दे रहा है। 4 मैचेज में रन अगर आप देखो 166, हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखोगे 76, एवरेज 41 का है, 50 जो कर रहे हैं वो 2 बार कर रहे हैं, फिर उसके चौके जड़े हैं वो 19, छक्के 11, ओवर 4, विकेट 1। ओमर सरदार की अगर आप बात करोगे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर, आपके लिए लॉर्ड में आकर आपको बैटिंग कर कर दे रहा है, बॉलिंग इतनी कर नहीं रहा है। 3 मैचेज में रन अगर आप देखो यहाँ पर 13 कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर हादी रजा आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, मिडल ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग कर कर दे रहा है। नीचे अगर आप आओगे, 4 मैचेज में रन 16, हाईएस्ट स्कोर 10, स्ट्राइक रेट 133, ओवर 2 और विकेट 0। उसके बाद यहाँ पर हिमायू भट्ट आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ओपन और डेथ में आकर आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा है। 1 मैच में रन 16 और चौके 4 जड़े हैं, बट अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया प्लेयर है ये, ओपन भी कर रहा था अपनी टीम के लिए और नॉर्मली इज़ अ गुड पिक, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। जैन आलम आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर, मिडल ऑर्डर में आकर आपको बॉलिंग और बैटिंग करवा कर दे रहा है। 1 मैच में रन 3, ओवर 1 करवाया, विकेट 3 चटका कर आपको देकर चला गया। अब्दुल हसीब आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, ओपन और डेथ में आकर आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा है। ओपन मतलब आपको ओपन कर कर दे सकता है बैटिंग में। 5 मैचेज में रन 21, हाईएस्ट स्कोर 11, ओवर 6 और विकेट 2।
राजभूषण आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, लोअर ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग कर कर दे रहा है। 3 मैचेस में रन्स 9, हाईएस्ट स्कोर 5 का है, ओवर 10 और विकेट 2। आप आराम से इसको एज अ बॉलर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमद अशरफ आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, मिडिल ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग कर कर देगा, प्लस लोअर ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग कर कर और मिडिल ओवर में आकर आपको बॉलिंग कर कर देगा। ओवर 12 विकेट 0, 5 मैचेस में रन 65, हाईएस्ट स्कोर 32 का है अब्दुल रहमान शेख, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, मिडिल ओवर में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देगा। 5 मैचेस में ओवर 12 और विकेट 4, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद नसीब आपके पास है, ओपनर है अपनी टीम के लिए, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर और मिडिल ओवर में आकर आपको यहां पर बॉलिंग करवा कर दे जाएगा ये प्लेयर। 4 मैचेस में रन 41, हाईएस्ट स्कोर 18, स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे 117 की है, ओवर 10 और विकेट यहां पर इसने कितनी करी है, 3 विकेट चटकाई हैं। उसके बाद आलिमुल्ला, 2 प्लेयर्स के स्टैट्स नहीं मिले हैं, टी हसन और यहाँ पर ए रियाल, अगर मिलते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आलिमुल्ला आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ओपनर है और अपने ओपन में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देगा। 14 ओवर्स में विकेट 6 और 5 मैचेस में रन अगर आप देखोगे तो 41। अब अगर हम यहाँ पर ब्लैक कैप की बात करें, के शहबाद आपके पास है, उसके आदर्श भाटिया आपके पास है, टी ब्लैक मिलायर आपके पास है, यू सक्सेना आपके पास है, ए एमजदाई आपके पास है, ए रॉय, जे मिसाल, मिसिवाल, उसके बाद एस राय आपके पास है, एम रहील आपके पास है, पी गणेशन और वी गणेशन। अब अगर आप देखोगे ब्लैक कैप तो भैया राहुल श्रीनिवासन की अगर आप बात करोगे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, मिडल ओवर में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देकर जाएगा। 12 मैचेस में रन अगर आप देखो 38, बट हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 22 का, स्ट्राइक रेट 76, मिडल ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग कर कर देकर जाएगा। सॉरी, मोहम्मद रहील आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ओपन में आकर आपको बॉलिंग और लोअर ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग कर कर देकर जाएगा। 6 मैचेस में रन 68, हाईएस्ट स्कोर 41 का, ओवर 18 विकेट 10, एक बॉलर बहुत बढ़िया है आपके पास। उदित सक्सेना, इसने जितनी भी मतलब 2019 में 2 मुकाबले खेले थे वहाँ पर इसकी बैटिंग नहीं आई, 2020 में इसने 1 मुकाबला खेला वहाँ पर इसकी बैटिंग नहीं आई, क्लब मैचेस भी खेलता है, ODD की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर भी बैटिंग नहीं आई है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर जमशेद खाना, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 8 मैचेस में रन 154, हाईएस्ट स्कोर 44 का, एवरेज 19 की है, स्ट्राइक रेट 152, ओवर 21 और विकेट 9, बढ़िया प्लेयर आपके लिए। उसके बाद अगर आप के शहबाद की बात करोगे, नंबर 3 पर बैटिंग करने आएगा, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, डेथ में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 11 मैचेस में रन अगर आप देखो 275, हाईएस्ट स्कोर 72 का है, एवरेज 27 की है, स्ट्राइक रेट 147, 50 3 बार करें, चौके 31, छक्के 8, ओवर 46, विकेट यहां पर 21, 4 विकेट हॉल 1 बार, 5 विकेट हॉल 2 बार, बहुत बढ़िया प्लेयर आपके लिए। हरमान सिंह आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, मिडिल ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग कर देकर जाएगा। 5 मैचेस में रन अगर आप देखो 80, एवरेज जो है यहां पर 25 का है, हाईएस्ट स्कोर 80 का है। उसके बाद अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करोगे 116, 50 एक बार करा है, चौके 8, छक्के यहां पर 5, ओवर 3 विकेट 0। उसके जतिन मिसवाल आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ओपन में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देगा। 10 मैचेस में रन अगर आप देखो तो भैया 8, बट ओवर 27 करवाए हैं, विकेट 2। उसके बाद सुप्रियो राय आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, मिडिल ओवर में आपको बैटिंग कर कर देगा। 9 मैचेस में रन 52, हाईएस्ट स्कोर 21, स्ट्राइक रेट 88, ओवर 1 विकेट 1। उसके बाद नीरज पटेल राइट हैंड बैट्समैन, मिडिल ओवर में आकर आपको बैटिंग कर कर देगा। अब अगर आप देखोगे 9 मैचेस में रन यहाँ पर 38, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 15 का है, एवरेज जो है यहाँ पर 5 की है, स्ट्राइक रेट 46। नीले पटेल आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, मिडिल ओवर में आकर आपको यहाँ पर बैटिंग कर कर दे जाएगा। 11 मैचेस में रन 92, हाईएस्ट स्कोर 36 का, एवरेज 11 की है, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 101 और ओवर 5 विकेट 1। एक मुकाबला ऐसा भी था जहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स ने ओपन कर दिया था, तो वो देखकर चलना, हो सकता है ये प्लेयर्स सरप्राइजिंगली आपको अगर दोनों खेलते हैं तो ओपन भी कर कर देकर जा सकते हैं। फिर उसके बाद वेंकट गणेश आपके पास है लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, नंबर 2 पर आपको बैटिंग कर कर दे रहा है, मिडल ओवर में आकर आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा है। 12 मैचेस में रन्स 268, हाईएस्ट स्कोर 51, एवरेज 38, स्ट्राइक रेट 116, 50 जो करें वो 2 ओवर, चौके जड़े हैं वो यहाँ पर 24, छक्के जड़े हैं वो 4, ओवर 36, विकेट यहाँ पर 19, 4 विकेट हॉल 2 बार, 5 विकेट हॉल 1 बार। फिर उसके इतने रॉय आपके पास है, मिडिल ओवर में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देगा। 10 मैचेस में रन 29, ओवर 32 और विकेट 5। उसके बाद वो अहमद आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, नंबर 4 पर आपको बैटिंग कर कर दे रहा है, मिडिल ओवर में आकर आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा है। 4 मैचेस में 2019 में तो खेल 7 मैचेस तो 2019 में खेले थे, उसमें रन अगर आप देखो 169, हाईएस्ट स्कोर 63, एवरेज 56, स्ट्राइक रेट 174 का है, 50 जो जड़े हैं वो 2 बार,
चौके 14, छक्के 10, ओवर 9, विकेट 1। उसके बाद यहाँ पर बेन दास आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर, नंबर 6 पर आपको बैटिंग करके दे रहा है 10 मैचेस में। रन्स अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पर 143 हाईएस्ट स्कोर 26 का है। एवरेज स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे 71। उसके बाद ओवर 1, विकेट 0। नीरज शर्मा आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर, मिडल ओवर में आकर आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा है 12 मैचेस में। रन 8, ओवर 38, विकेट 17। उसके बाद अहमजदाई आपके पास है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, लो ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग प्लस साथ में ओपन में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देगा। 35 ओवर्स में 17 विकेट चटकाई हैं, 4 विकेट ऑल एक बार। फिर उसके बाद विशाल मलिक आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, 2019 में 6 मैचेस में ओवर 14 और विकेट 6। उसके बाद प्रवीण गणेशन आपके पास है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, नंबर 6 पर आपको आकर बैटिंग कर देगा। 9 मैचेस में 77 रन करें, हाईएस्ट स्कोर 30 का, एवरेज 19, स्ट्राइक रेट 85। उसके बाद तोबेश आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 3 मैचेस में ओवर 2, विकेट 1। उसके बाद सुनील भाटिया आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 8 मैचेस में रन्स अगर आप देखोगे 46, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 19 का है, ओवर 2 और विकेट 2। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है प्लेयर्स की। अभी हम यहाँ पर टीम डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, एच भट्ट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एन पटेल आपको ओपन कर दे सकता है, आर श्रीनिवास की अभी के लिए सिलेक्शन ज़्यादा है, हम भी आर श्रीनिवास के साथ जा सकते हैं अगर ये प्लेयर खेलता है तो। चांसेस कम है कि आर श्रीनिवास खेलेगा, अगर नहीं खेलता तो एच भट्ट आपके लिए कॉमन पिक, बहुत बढ़िया पिक। बैटिंग सेक्शन में जे खान, ए रियाल, एच सिंह, ए रियाल को आप ड्रॉप कर सकते हो, आर शुक्ला आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा, एस भाटिया आपको बॉलिंग बैटिंग करवा कर दे जाएगा, एस राय आपको बॉलिंग बैटिंग करवा कर दे जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भैया पी गणेशन इज आल्सो अ गुड पिक, पी गणेशन को आप ट्राई कर सकते हो, या तो ब्रुची मायर को ट्राई कर सकते हो। अब ये प्लेयर्स वो हैं जो कम सिलेक्शन वाले हैं, ऊपर वाले सिलेक्शन वाले प्लेयर्स आपको रखने नहीं रखना, वो तो प्लेइंग 11 के बाद पता हमें लग ही जाएगा। वी गणेशन, के शहाब और उसके बाद यहाँ पर ये असीफ जिनकी सिलेक्शन ज़्यादा है, ओ सरदार की भी सिलेक्शन ज़्यादा है, टी हसन के मुझे स्टैट्स नहीं मिले हैं, ए अहमजदाई इज़ अ गुड पिक, बेन दास को आप ट्राई कर सकते हो। अब अगर आप बॉलिंग सेक्शन की बात करोगे, ए उल्ला, एन शर्मा, आर भूषण, एम रहील, एम रहील इज़ अ गुड पिक, एम रहील आपको बढ़िया परफॉर्म कर दे रहा है, जे मसीवाल ने बढ़िया परफॉर्म करा है, फिर उसके बाद एन कुशदिल ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है, एच अशरफ इज़ आल्सो अ गुड पिक। तो आपके पास ऑप्शन है, आप किन किन प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहली टीम की अगर हम बात करें, कैप्टेंसी दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर ब्रुची मायर को, और वाइस कैप्टेंसी दे रखी है वो दे रखी है हसीब को। फिर उसके बाद आर श्रीनिवास है, फिर उसके बाद जे खान, आर शुक्ला, वी गणेशन, नो सरदार, टी हसन, उसके बाद एम रहील, जे मसीवाल, और यहाँ पर अगर आप देखोगे उल्ला, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर हम बात करें, कैप्टेंसी दे रखी है वो दे रखी है भैया ए रियाल, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर एच सिंह, उसके बाद आर श्रीनिवास, जे खान, के शाहब, उसके बाद यहाँ पर वी गणेशन, नो सरदार, उसके बाद एन ए हसीब आपके पास हैं, एन शर्मा आपके पास है, उल्ला और आर भूषण, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।